नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्डस्काई। अनुकृति वास, ये नाम सुना है ना? जी हाँ, मिस इंडिया है। अब उनका नाम मिस वर्ल्ड 2018 की टॉप 30 की लिस्ट में शामिल हो चुका है। 8 दिसंबर यानी कि आज इस ताज का ग्रैंड फिनाले है। जो ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड का ताज पहनाएंगी। अनुकृति के बारे में आप जानते ही होंगे, वो महज 20 साल की हैं और तमिलनाडु से ताल्लुक रखती हैं। उनकी माँ सिंगल मदर हैं। अनुकृति ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिन्हें हम आपको बता रहे हैं। बाइक्स लड़कियों की अच्छी दोस्त नहीं होती, ऐसा कहने वालों के लिए अनुकृति बेस्ट उदाहरण है, क्योंकि ज्यादातर लोग लड़कियों को बेहद सॉफ्ट समझते हैं, वो उन्हें स्कूटी तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन अनुकृति एक टॉम बॉय की छवि वाली लड़की रही हैं, जिसे बाइक चलाने का तगड़ा वाला क्रेज है। अनुकृति को घूमना पसंद है, वो एडवेंचर की शौकीन है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो जरूर हिमाचल प्रदेश जाना चाहेंगी, इसलिए क्योंकि अनुकृति पैराग्लाइडिंग करना चाहती हैं और उनके दोस्तों ने उन्हें बताया था कि हिमाचल दुनिया की दूसरी सबसे शानदार लोकेशन है पैराग्लाइडिंग के लिए। अनुकृति ने बताया था कि वो तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में पली बड़ी हैं, जहां लड़कियों की जिंदगी बंधी हुई है। वहां लड़कियां शाम 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती। मिस इंडिया बनने के बाद अनु ने कहा था कि आप लोग भी उस कैद से बाहर निकले और वहां पहुंचे जहां पहुंचना चाहते हैं। अनुकृति अपनी माँ के बेहद करीब रही हैं, जिन्होंने अकेले ही अनु की परवरिश की है। वो सिंगल मदर हैं। अनु ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बात जो मैंने माँ से सीखी कि चाहे हालात कैसे भी हों, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों को वही दिखता है। आपके भीतर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी स्माइल कई लोगों को एक उम्मीद दे सकती है। 19 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली अनुकृति को फैशनेबल सोनम कपूर और रणवीर सिंह बेहद पसंद हैं। अनुकृति इस साल चेन्नई के लोयोला कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही हैं फ्रेंच साहित्य में। वो खुद को बेहद सामान्य लड़की मानती हैं, जिसे घूमना और डांस करना अच्छा लगता है। बीते साल मिस वर्ल्ड बनी मानुषी छिल्लर 8 दिसंबर को अपना ताज किसी और के हवाले कर देंगी। मिस वर्ल्ड 2018 का आयोजन इस बार चीन में किया जा रहा है। 8 दिसंबर को ये प्रतियोगिता भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगी। चीन के सान्या शहर में पिछले साल मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2018 को अपना ताज पहनाएगी। इस प्रतियोगिता में अनुकृति वास ने भी भाग लिया है, जो मिस इंडिया 2018 की विजेता है। अनुकृति तमिलनाडु की रहने वाली है। मानुषी छिल्लर ने इस प्रतियोगिता के बारे में कहा है कि मैं सान्या वापस आकर बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए एक जादुई जगह है। मुझे सान्या में ही ताज पहनाया गया था और मैं 8 दिसंबर को इस ताज को किसी और को पहनाऊंगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी मिस इंडिया का ताज भारत ही आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।